डी स्टूडेंट्स द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज हैज असमेंट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल विद रेलवेंट टू कम्प्यूटर्स ऑटोमेशन एंड रिबोट ये तीन टॉपिक्स हैं कंप्यूटर ऑटोमेशन एंड रिबोट कंप्यूटर आपको मालूम है कि ये एक टेक्नोलॉजी है जिसमें इंफॉर्मेशन भी है और टेक्नोलॉजी दोनों चीज़ें हैं इंफॉर्मेशन ये हमें देता है और टेक्नोलॉजी का इसमें यूज़ है ऑटोमेशन से इसमें और रिबोट सिस्टम यूज़ होता है इन तीनों चीज़ों को अगर आप ऑर्गेनाइजेशन लॉजिकल वे में यूज़ करें तो ये उसके बेनिफिट्स में यूज़ होंगी अगर इन तीनों चीज़ों को आर्गेनाइजेशन लॉजिकल वे में यूज़ ना करें तो यही चीज़ें हमारे लिए प्रॉब्लम का बायस बनेंगी लोकल एरिया नेटवर्क फॉर इंटीग्रेटिंग पर्सनल कंप्यूटर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रेशन इन द ऑफिस सम टाइम हमें एक से ज़्यादा कंप्यूटर को आपस में कनेक्टिविटी करनी होती है ताकि जो कमांड हम एक जगह दे रहे हैं वो सब पे अवेलेबल हो वो सारे कंप्यूटर वहाँ पे काम कर सकें इसको हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क दीज डिवेलपमेंट्स हैव बिन इम्पैक्ट ऑन दर्क प्लेस जब ये कंप्यूटर रिलेटेड एक्टिविटीज होंगी तो ऑर्गेनाइजेशन में इसका इम्पेक्ट होगा आपको मालूम है कि अगर पचास इम्प्लॉइज की ट्रेनिंग करवानी है किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर तो वो सॉफ्टवेयर पचास कंप्यूटर्स पर इंस्टॉल किया जाएगा पचास इम्प्लॉयज़ को एक जगह बैठाया जाएगा पचास कंप्यूटर्स के ऊपर एक शख्स उनकी ट्रेनिंग देगा और वो वहाँ पे सारे लोग सीख लेंगे इसको हम कहते हैं इम्पैक्ट ऑफ ऑटोमेशन ऑन दर्क प्लेस इम्पैक्ट ऑफ ऑटोमेशन ऑन दर्क प्लेस का जो सेकंड सेगमेंट है इसमें हम लोग ये देखते हैं कि आर्गेनाइजेशन के अंदर देर इज इंक्रीजिंग लेवल ऑफ स्ट्रेस ऑन वर्कर्स सुपरवाइजर्स एंड मैनेजर्स अगर ये चीज़ें जो मैनुअली हो रही हैं इनकी जगह पर ऑटोमेशन आ जाए टेक्नोलॉजी आ जाए काफी हद हाँ तक का आपका स्ट्रेस मैनुअल एक्टिविटीज रिप्लेस हो जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर ये देखा जाए वी डी टी वी डी टी स्टैंड फॉर वीडियो डिप्ले टर्मिनल्स वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल्स की मदद से भी काफ़ी काम जो मैनुअल होता है या जो आप लोगों को बोलना पड़ता है वोकल वो तमाम चीज़ें वीडियोस को रिप्लेस करके ज्यादा बेटर वे में चीज़ें इम्प्लॉज को समझाई जा सकती defects, birth, हैं वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल्स यूज कैन बी टाइड टू बर्थ डिफेक्ट्स प्री मिच्योर बर्थ और लो बर्थ वेट अब यहाँ टेक्निकल मेडिकल साइंस की टर्मिनोलॉजीज हैं आप इन चीज़ों को यूज़ करके इनके निताज बेनिफिट्स भी ले सकते हैं अगर आप इनको यूज़ नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं होंगे डी स्टूडेंट्स यहाँ पे इस चीज़ को ये देखना है कि ये जो हमने वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल्स हैं इनको कहाँ यूज़ करना है इनको दो जगहों पे डी स्टूडेंट्स यूज़ करना है फैक्ट्रीज़ में और इनको ऑफिसज़ में फैक्ट्रीज़ में टेक्निकल काम के लिए ऑफिस में इनसे से एग्जैक्टिव इन्फॉर्मेशन सिस्टम के लिए डिसीजन स्पोर्ट सिस्टम के लिए इन चीजों की मदद से आप काफी हद तक ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन मेकिंग के ऊपर कंट्रोल हासिल कर सकते हैं प्रोवाइडिंग मोर फ्रीक्वेंट ब्रेक्स फ्रॉम वी डी टी यूज रोटेशन शेड्यूल दैट यूजर टू इंटरस्पेक्ट नॉन वी डी टी वर्क इन द डेली रूटीन ऑर्गेनाइजेश के अंदर रोटेशन और जो इंप्लाइज की जॉब रोटेशन के अलावा जो उनकी ड्यूटी कैज बनती है वो भी इन चीजों की मदद से बन सकती है डी स्टूडेंट्स क्रिएटिंग अ वर्क डिजाइन दैट रिकनाइज एंड अकोमोडेट द नीड टू ब्रेक अपल विडी टू यूज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं समाइम आप लोग मैनुअल एक्टिविटीज फिजिकल जो एग्जर्जन ऑफ बॉडी है इसकी जगह पे ऑटोमेशन को यूज करके ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव कर सकते हैं एडजस्टिंग द हाइट ऑफ डेस्क लेकिन ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जांपल मैं अभी लेक्चर दे रहा हूँ सामने मेरी स्क्रीन है वहाँ से मैं देख के कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट्स ले रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि वो जो डेस्क आपके सामने है वो आपके आई लेवल पे होना चाहिए आपकी जो बॉडी है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो आपकी जो शेप है पीछे की बैक बोन की वो बिल्कुल स्ट्रेट हो आपको पीछे से सपोर्ट हो जब इन सब चीजों का आप ख्याल रखेंगे तो डेफिनेटली वही टेक्नोलॉजी आपके लिए बेनिफिटेड होगी एनकरेजिंग इम्प्लाइज टू अवॉइड रिस्क रेस्टिंग रिस्ट रेस्टिंग रेस्टिंग द रिस्ट ऑन द टाइप ऑफ एज कैन इनक्रीज प्रेशर ऑन द रिस्ट ये रिस्ट है अगर आप इसको नीचे रख के ऊपर वजन डालते हैं तो डेफिनेटली इसके ऊपर प्रेशर बिल्ड होगा तो ये चीज आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगी या इसका ज्यादा यूज करते हैं आप लोग इसकी वजह से भी यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है क्वेश्चन ये है कि एक्सर्जियन ऑफ बॉडी हो या एग्जर्जियन ऑफ माइंड हो इन दोनों में बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और नंबर टू आपने इन सब चीजों को ऑर्गेनाइजेशनल एस के मुताबिक ऑपरेट करना है रिमूविंग डस्ट फ्राम द माउस बॉल कैविटी डस्ट कैन कोलेक्ट मेकिंग इट डिफिकल्ट टू मूव द माउस यह आपको मालूम है ये ईजी है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि तो अगर आप माउस को यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर के लिए तो उसके ऊपर या उसके नीचे या पैड के ऊपर डस्ट ना हो ताकि आसानी से फ्रीली वो माउस मूव कर सके इसकी मदद से आप काफ़ी हद तक अपनी चीज़ को ऑपरेट करने की पोजीशन में रहते हैं रिबोट्स एंड अदर इंटेलिजेंट कंप्यूटर कंट्रोल मैकेनिक्स विल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द मॉडर्न इंडस्ट्री रिबोट्स टेक्नोलॉजी में रिबोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रेवोलूशन लेके आया है रिबोट्स में आप किसी इंस्ट्रक्शन के तहत उसको कमांड देते हैं और वो ऑटोमेटिकली आपकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक काम करता है इसमें इंस्ट्रक्शनस टेक्नोलॉजी इन सब चीज़ों का मिलाप है इसको हम लोग ह्यूमन रिबोट इंट्रेक्शन कहते हैं देर इज प्लेंटी ऑफ ह्यूमन रिबोट इंट्रैक्शन इन मॉडर्न इंडस्ट्रीज बहुत सी इसकी एग्जाम्पल्स हैं आप अगर आप लोग चाहें कि रिबोट्स का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करना है तो वहाँ पर आपको उसके पीछे जो मैन पार है वो एक्सपर्ट बढ़ानी होगी क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन रिबोर्ट को देगा रिबोर्ट उसके मुताबिक काम करेगा इसको हम ह्यूमन रिबोर्ट इंट्रेक्शन कहते हैं और इनकी मदद से ऑर्गेनाइजेशन की प्रोग्रेस परफॉर्मेंस प्रोडक्टिविटी काफी हद तक एनहांस हुई है अकॉर्डिंग टू लीना ऑफ द रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन स्टॉक होम स्वीडन द मॉडर्न फैक्ट्रीज हैज आर इज मूविंग हैविंग द फॉलोइंग वो ये हैं डियर स्टूडेंट्स वर्कर्स विल सुपरवाइज मशीन नाट देली सिस्टम रादर दैन इंट्रैक्ट विद इंडिविजुअल इंडिविजल ऑफ़ प्रोडक्शन इक्विपमेंट्स वर्कर्स टेक्नोलॉजी की मदद से काम करेंगे वर्कर्स मैन्युअली काम नहीं करेंगे और लास्ट में वर्कर्स विल कम्युनिकेट विद द मशीन्स, वाया वी डी टीज वीडियो डिसंस एंडियो डिस्प्ले टैक्स इंफॉर्मेशन उसके अंदर जितने भी इन्फॉमेशन है उन सबको देख के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके रिबोट्स का इस्तेमाल करके ऑटोमेशन का इस्तेमाल करके आप लोग काफ़ी हद हाँ तक ह्यूमन रिबोट इंट्रैक्शन डेवलप कर सकते हैं और लास्ट वर्कर्स विल सपोर्ट बाई एक्सपर्ट सिस्टम फॉर फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन डायग्नोसिस एंड रिपेयर अगर किसी किस्म की प्रॉब्लम पैदा होती है तो उसको आइडेंटिफाई करना है कंट्रोल करना है रिपेयर करना है और मैनेज करना है इस तरह ह्यूमन रिबोट इंट्रेक्शन की मदद से हम काफ़ी हद हाँ तक हैजर्ड्स असेसमेंट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की मदद से काम कर सकते हैं